ये देखिए कितना बढ़िया बना है बार्नेस्ट। आप इसको घर पर बनाइए खाइए। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बार्नेस्ट। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन जरूर दबाए क्योंकि मेरा नया रेसिपी पहले आपको मिल सके। बार्नेस्ट के लिए ये सब सामग्री चाहिए। पहले हमको चाहिए दूध। मैंने लिया ये आधा लीटर दूध, आधा कप सेवैया, थोड़ा सा अनारदाना, बासमती चावल को मैंने बॉईल करके रखा है ये आधा कप, मिल्क मेड, काजू किशमिश बादाम, इलायची पाउडर 2 चम्मच घी। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है और 2 चम्मच घी इसमें डाल दिया है। अब हम ये सीमिया इसमें डालें और इसको फ्राई करेंगे। ये लाल होने तक हम फ्राई करेंगे। देखिए सीमिया लाल हो चुका है। अब हम इसमें 4 चम्मच मिल्क मेड डाल दें। इसको अच्छा से मिक्स कर लें। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। मैंने एक कटोरी में ये देखिए एक पनीर रख दिया है। अब हम ये सीमिया इसके अंदर डाल देंगे। अरे इसको चारों तरफ ऐसे फैला देंगे। अब हम इसको फ्रिज में 10-15 मिनट के लिए रखेंगे। मैंने गैस पर एक कढ़ाई में आधा लीटर दूध डाल दिया। ये दूध थोड़ा गाढ़ा होने तक हम वेट करेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। दूध में उबल आ चुका है। अब हम फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको गाढ़ा होने देंगे। बीच बीच में इसे चलाते हम इसमें ये बॉइल्ड चावल डाल देंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब हम ये काजू किशमिश बादाम काट लेंगे। इस तरह छोटा छोटा काट लेंगे। बीच बीच में इसे चला देंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी आप टेस्ट हिसाब से आप डाल सकते हैं।
इसमें हम मिल्क में डालें, इसमें मिठाई है। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। खीर गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसमें मिल्क मैड डाल लेंगे। 3 चम्मच मिल्क मैड मैंने डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने 3 चम्मच डाला है, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें काजू किशमिश बादाम डाल देंगे। इसको फ्राई नहीं करना है, ऐसे डालना है। ये देखिए खीर तैयार हो चुका है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। ये देखिए मैंने जो सीमिया में बार्निश्ड बनाया था, ये देखिए ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में रख देंगे और इसके अंदर खीर डालेंगे। और इसके ऊपर अनारदाना डाल देंगे। ये देखिए कितना सुंदर बना है हमारे बार्ड नेस्ट। ये देखिए बार्ड नेस्ट को मैंने एक प्लेट में सर्व कर दिया। आप इसी तरह बार्ड नेस्ट घर पर बनाइए, खाइए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।